रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली जनपद को 750 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व जिला प्रशासन दिन रात एक करके शासन द्वारा मिले 750 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया है। आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया फिरोज गांधी कॉलेज के सभागार में, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित पूरे जनपद का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इन्वेस्टर समिट में आयोजन में पूरा सभागार जनपद के उद्यमियों से खचाखच भरा रहा। उन्होंने कहा कि रायबरेली जनपद को भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां पर भूकंप का खतरा है न बाढ़ का खतरा है और किसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी कम है। और उन्होंने लक्ष्य से ज्यादा हासिल करने पर कहा, सबसे बड़ी चीज उद्यमियों के सामने लॉ एंड ऑर्डर का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में ना कोई गुंडा है, ना कोई बदमाश है और ना कोई रंगदारी मांग सकता है। यह उद्यमियों के लिए एक बड़ी बात है, जिससे उद्यमी अपना उद्यम किसी बिना भय व भ्रष्टाचार के लगाए उसको आगे बढ़ा सकते हैं और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ सुशील गुप्ता सदस्य श्रम एवं कामगार आयोग, गौरव अग्रवाल अध्यक्ष IIA, सुरेश गुप्ता प्रदेश सचिव लघु उद्योग भारती अध्यक्ष राजकमल अग्रवाल, सुक्खूलाल चंदवानी वरिष्ठ उद्यमी बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO YK गुप्ता, राजेश गुप्ता, रोहतास सिंह, संजय जीवलानी, अतुल गुप्ता, नितिन गुप्ता सहित रायबरेली के समस्त उद्योगपति व भावी उद्यमी मौजूद रहे। इस सेवन के लिए वरुण वाजपेयी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। मैं रायबरेली जनपद के बारे में आपको बता सकता हूं। मैं सबसे पहले रायबरेली के जिलाधिकारी और GM DIC और सारे प्रशासन ने मिल करके जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं और रायबरेली को एक समृद्ध रायबरेली की स्थापना की ओर बनाने में हमारे उद्योग जगत के रायबरेली के लोग जो आज मंच पर सब इकट्ठा हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं अपने उद्योग जगत के सभी बुजुर्गों का, जिनको खासा अनुभव है उद्योग संचालन का, उन लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को मार्गदर्शन दिया है, उनको रास्ता दिखाया है, इसके लिए मैं उद्योग जगत के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये विषय आप कार्यक्रम जिस नियत से किया गया था कि रायबरेली जनपद में उद्योगों की स्थापना की जाए, उसमें हम सफल रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जो टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा लक्ष्य हम लोगों ने अचीव किया है। जो हमारे उद्योगों की स्थापना से जुड़े उद्योगपति हैं, जो भावी उद्यमी हैं, वो पूरा खचाखच हाल भरा हुआ था। तो कार्यक्रम जिस तरह सफल होना चाहिए था, वो कार्यक्रम हमारा सफल रहा है। किन्हीं कारणों से कोई अनुपस्थित भी हो सकता है, कुछ हमारे अधिकारी भी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे, कुछ जनप्रतिनिधि भी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे, इसका विषय इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। कार्यक्रम हमारा सफल था, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप रायबरेली प्रशासन उनकी कसौटी पर खरा उतरा है और 750 के अगेंस्ट 1200 करोड़ का निवेश का खाका हमारे यहाँ तैयार हुआ है।